डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। बताइए इंट्रोड्यूस डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन आगे क्या है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल OSI मॉडल। इंट्रोडक्शन टू डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन। ये कितना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है क्या? 11 में स्कूल कर लें। बात चल रही है को ले लेता हूँ। 3 2 5 करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसद मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने डेटा कम्युनिकेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें सिंक्रोनस एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर क्या होता है, डेटा रेट, बॉड रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज के सेशन में वील डिस्कस अबाउट दी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कि हमें जैसे हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि प्रोटोकॉल क्या होता है, तो कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, और इसमें प्रोटोकॉल के लिए OSI मॉडल एक होता है, वो क्या होता है, इन दोनों पर आज हम चर्चा करेंगे। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, तो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस। यानी आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सिंपली एक सेट ऑफ रूल्स होता है, सिंपली एक इट्स अ टाइप ऑफ प्रोग्राम, इट्स अ वन टाइप ऑफ प्रोग्राम, एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो आपके दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दोनों इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जो डेटा जो जिन दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें सेंडर और रिसीवर, यानी डेटा सेंड करने वाले और डेटा को रिसीव करने वाले, दोनों को एक ही प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास रूम के अंदर क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लासरूम के अंदर क्या आपकी अपीयरेंस होना चाहिए, तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। और वो सेट ऑफ रूल्स उस क्लासरूम के अंदर जो भी स्टूडेंट बैठेगा सबको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सेट ऑफ रूल्स जो है, प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। अब प्रोटोकॉल परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन फॉर एफिशिएंट एंड एरर फ्री ट्रांसमिशन। यानी प्रोटोकॉल जो है वो निम्नलिखित फंक्शंस को पूरा करता है फॉर कुशल कम्युनिकेशन के लिए, दोनों डिवाइस के बीच में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो और एरर फ्री ट्रांसमिशन हो, कोई एरर ना आए इसमें। क्या क्या करता है वो काम प्रोटोकॉल? 1, डेटा सीक्वेंसिंग। इट रेफर्स टू ब्रेकिंग अ लॉन्ग मैसेज इन टू स्मॉलर पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड साइज। पहला काम जो आपका प्रोटोकॉल का क्या होता है, जो आपका लॉन्ग मैसेज होता है, बड़ा डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देता है, तो डेटा की सीक्वेंसिंग करता है। दैट मीन्स लार्ज डेटा को उसने छोटे छोटे पीसेस में, पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, उनकी सीक्वेंसिंग कर दी। नंबर वन पार्ट दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज द थर्ड वन दिस, इस तरीके से वो उनकी सीक्वेंसिंग करता है। डेटा सीक्वेंसिंग रूल्स डिफाइन द मेथड ऑफ नंबरिंग पैकेट्स टू डिटेक्ट लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स एंड टू करेक्टली आइडेंटिफाई पैकेट्स विच बिलोंग टू सेम मैसेज, ठीक है।
यानी कि डेटा सीक्वेंसिंग में जो रूल्स होते हैं उन रूल्स का काम ये होता है कि वो प्रॉपर डेटा को पैकेट्स में डिवाइड करें, और जब वो डेटा दूसरे एंड पे जब रिसीव हो, क्योंकि सेम सेट ऑफ रूल्स है वहां पर भी, तो जब वो रिसीव हो तो उसे ये पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन का पैकेट कौन सा है, यानी वो आइडेंटिफाई कर पाए करेक्ट पैकेट्स को फॉर दी सेम मैसेज और सेम इंफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा जो काम होता है आपका प्रोटोकॉल का, दैट इज डेटा रूटिंग। डेटा रूटिंग डिफाइंस दी मोस्ट इफिशियंट पाथ बिटवीन दी सोर्स एंड डेस्टिनेशन, यानी डेटा रूटिंग का काम है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में पाथ को डिसाइड करना और इस्टेब्लिश करना। थर्ड होता है डेटा फॉर्मेटिंग। डेटा फॉर्मेटिंग रूल्स डिफाइन विच ग्रुप ऑफ बिट्स और कैरेक्टर्स विद इन पैकेट कंस्टिट्यूट डेटा कंट्रोल एड्रेसिंग और अदर इंफॉर्मेशन, यानी जो भी आपका डेटा इंफॉर्मेशन जा रहा है उस डेटा के अंदर जो पैकेट्स डिसाइड किए गए हैं, तो कौन सा उसमें करेक्टर और बिट्स पैकेट बनाएगा, कौन सा कंट्रोल सिग्नल्स के लिए बिट होगा, कौन सा एड्रेसिंग के लिए बिट होगा, और कौन सा डेटा आपकी अदर इंफॉर्मेशन का, ये सारा काम डेटा की फॉर्मेटिंग में जो रूल्स हैं उसका होता है। फोर्थ जो काम होता है दैट इज फ्लो कंट्रोल। अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑल्सो प्रिवेंट अ फास्ट सेंडर फ्रॉम ओवरवेलमिंग अ स्लोअर रिसीवर। ठीक है, यानी जो फ्लो कंट्रोल का, यानी कंट्रोल का जो फ्लो है उसको भी कंट्रोल करता है फ्लो कंट्रोल, यानी जो डेटा ट्रांसमिट हुआ और दूसरी तरफ रिसीव हो रहा है, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है तो दोनों के अंदर सिंक्रोनाइजेशन भी जरूरी है। अगर एक की स्पीड भेजने की फास्ट है और दूसरे की रिसीव करने की कम है तो वहां पर गुड कम्युनिकेशन नहीं हो पाता और इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाता है। जैसे क्लासरूम के अंदर देखते होंगे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी रिसीव करने की या कैचिंग पावर बहुत कम होती है, जब कोई फैकल्टी बहुत फास्ट स्पीड से पढ़ा रहे होते हैं और उनकी कैच करने की स्पीड कम है तो वो उसमें से इंफॉर्मेशन को कैच नहीं कर पाते, काफी सारा डेटा उनका लॉस्ट हो जाता है, लेक्चर का काफी सारी चीजें उन्हें नहीं समझ में आती। इसी तरह से यहां पर भी अगर ऐसा होता है कि डेटा सेंडर जो है वो फास्ट से डेटा भेज रहा है और रिसीवर आपका स्लो है तो उस कंडीशन में भी फ्लो को ये कंट्रोल करता है। फाइन, इट एंश्योर रिसोर्स शेयरिंग एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैफिक कंजेशन बाई रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ डेटा ऑन कम्युनिकेशन लाइन। अगर कम्युनिकेशन लाइन्स में डेटा फ्लो में अगर कंजेशन आ जाता है, डेटा ट्रैफिक बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये डेटा को रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ कंजेशन को भी रेगुलेट करता है। फिफ्थ होता है इसमें एरर कंट्रोल। दीज रूल्स आर डिजाइन टू डिटेक्ट एरर इन मैसेजेस एंड टू एंश्योर ट्रांसमिशन ऑफ करेक्ट मैसेज। यानी जो एरर कंट्रोल है उसका, इसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो सेट ऑफ रूल्स किस काम में आते हैं, अगर आपकी इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांसमिट हुई उसमें अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को करेक्ट करना, ये एरर कंट्रोल का काम है। द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू ट्रांसमिट एररनेस मैसेज ब्लॉक। ठीक है, यानी हमारा जो मेन उद्देश्य होता है कि जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो एरर फ्री होकर रिसीवर को प्राप्त हो, उसमें कोई भी एरर ना हो। इन सच अ केस अ ब्लॉक हैविंग एरर इज डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर एंड इज रीट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। ऐसे केस में जहां पर एरर आ जाता है तो ब्लॉक हैविंग एरर, जिस ब्लॉक में कोई एरर होता है वो इज डिस्कार्डेड बाय द रिसीवर, रिसीवर के द्वारा उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है एंड इज रीट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। फिर वो इंफॉर्मेशन सेंडर के द्वारा दोबारा से भेजी जाती है, रीसेंडर रीट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। सिक्स इज प्रीसीडेंस एंड ऑर्डर ऑफ ट्रांसमिशन। दीज रूल्स एंश्योर दैट ऑल दी नोड्स गेट अ चांस टू यूज द कम्युनिकेशन लाइंस एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज असाइन टू देम। यानी आपके नेटवर्क सिस्टम के अंदर जितने भी नोड्स हैं, नोड मीन्स वन कंप्यूटर इज अ वन नोड। ठीक है, तो जितने भी नेटवर्क में आपके में कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइस कनेक्टेड हैं, तो अगर जो भी नोड्स उसमें हैं तो हर एक नोड को ये चांस होता है टू यूज दी कम्युनिकेशन लाइन। ठीक है, कम्युनिकेशन लाइन को यूज करने का एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, बट इट विल डिपेंड ऑन दी बेस्ड ऑन दी प्रायोरिटीज कि किस नोड को हमने कौन सी प्रायोरिटीज असाइन कर रखी है। Then seven is connection establishment and termination. These rules defines how connection are established. इन रूल के माध्यम से जो कनेक्शन स्थापित होता है दो डिवाइसों के बीच में, कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच में, वो रूल्स ही काम करते हैं उनको मेंटेन करना और उनको टर्मिनेट करना। जब हमारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए, तो उसे टर्मिनेट करना। जैसे हम अगर आप मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, जब आप किसी को मोबाइल फोन पर डायल करते हैं नंबर, दूसरा व्यक्ति जब उसको उठाता है तो सबसे पहले क्या कहता है, वो हेलो, सबसे पहले हेलो कहता है। तो हेलो इज, आप ये समझिए, इट्स अ सेट ऑफ रूल, एक रूल है कि अगर कोई फोन हम पिकअप करेंगे तो हेलो करेंगे और दूसरे तो आप भी हेलो करते हो।
तो दैट मीन्स दोनों जब एक वर्ड को बोल के, एक सेट ऑफ रूल को बोल के आप अपने बीच में एक कनेक्शन इस्टाब्लिश कर लेते हैं फॉर स्टार्टिंग दी कम्युनिकेशन, ठीक है। देन आप अपने कम्युनिकेशन को मेंटेन करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं आपके बीच में बातें लगातार होती रहती हैं, आप डिफरेंट फील्ड की डिफरेंट तरह की बातें करते रहते हैं। देन जब आप कम्युनिकेशन को फिनिश करते हैं, जब आप अपने कम्युनिकेशन टर्मिनेट करते हैं, तब भी आप कुछ बोलते हैं, तब वहां पर सेट ऑफ रूल्स क्या होता है, ओके बाय सी यू लेटर, सबके अलग अलग अपने मतलब सेट ऑफ रूल्स हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या कैसे कनेक्शन इस्टाब्लिश होता है, कैसे टर्मिनेट होता है। तो जैसे आप अपनी टॉक को शुरुआत करते हैं और फिर एंड करते हैं, तो जब दो नोड्स के बीच में कनेक्शन इस्टाब्लिश होता है, मेंटेन होता है, टर्मिनेट होता है, तो वहाँ पर आपका कनेक्शन इस्टाब्लिशमेंट और टर्मिनेशन के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके माध्यम से काम होता है। एट्थ नंबर पर होता है डेटा सिक्योरिटी। प्रोवाइडिंग डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इज ऑल्सो बिल्ट इन टू मोस्ट कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। जो भी कम्युनिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है उनमें ऑलरेडी डेटा की सिक्योरिटी और सेफ्टी पहले से ही होती है। इट प्रिवेंट्स एक्सेस ऑफ डेटा बाई अनऑथराइज यूजर, यानी कोई अनऑथराइज यूजर आपके बीच के कम्युनिकेशन डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। लॉग इन्फॉर्मेशन, सेवरल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइन टू डेवलप लॉग इन्फॉर्मेशन। बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो डिजाइन किए जाते हैं लॉग इन्फॉर्मेशन को डेवलप करने के लिए। विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दी जॉब्स एंड डेटा कम्युनिकेशन टॉक्स दैट हैव टेकन प्लेस, यानी दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उनका एक लॉग फाइल बन जाता है, एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है, ठीक है। उस पूरे इन्फॉर्मेशन को वो एक कम्युनिकेटर को एक तरह से एक लॉग फाइल में कन्वर्ट कर लेता है। सच इन्फॉर्मेशन मे बी यूज फॉर चेंज चार्जिंग द यूजर्स ऑफ द नेटवर्क बेस्ड ऑन देयर यूसेज ऑफ द नेटवर्क रिसोर्सेज। तो जो लॉग फाइल बनी, लॉग फाइल से ये पता लग जाता है कि इनके बीच में कितनी देर कनेक्शन इस्टाब्लिश हुआ, तो उसके आधार पर या कितना डेटा आपने यूज किया उसके आधार पर यूजर से चार्ज जो है वो वसूल किया जाता है। नीड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू लिंक वेरियस कंप्यूटर्स। हम जब हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को डेटा नेटवर्क के लिए कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए एक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है? तो दी स्टैंडर्ड्स आर दी डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन्स टेक्निकल एंड फिजिकल स्पेसिफिकेशन अबाउट द नेटवर्क बीइंग डिजाइंड। यानी मेन जो है कि जब दो कंप्यूटर या दो से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कैसे किन्हीं दो सिस्टम के बीच में एक कनेक्शन इस्टाब्लिश होगा। इन अर्ली एज कंप्यूटर हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड। Every manufacturer has developed its own communication protocol. Like, यानी शुरुआती एज में जब कंप्यूटर बने थे तो उस समय क्या होता था, जो भी कंपनी कंप्यूटर बना रही थी, कंप्यूटर के जो मैन्युफैक्चर थे उनके अपने सबके स्टैंडर्ड अलग अलग थे। हर एक मैन्युफैक्चर अपना खुद का स्टैंडर्ड एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बनाता था, ठीक है। जैसे मैंने एक व्यक्ति को अपना अगर मतलब अपने मैंने उसे सिखाया तो मैंने अपने तरीके से उसे रूल्स बताए, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रेनिंग दी उसने अलग ट्रेनिंग दी, तो ऐसा कुछ होता था। जैसे SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर बाई IBM, यानी उस समय IBM ने जो प्रोटोकॉल बनाया था उसको कहते थे SNA, दैट इज सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। जब दो सिस्टम और नेटवर्क में कनेक्ट होंगे तो वो उनका आर्किटेक्चर क्या होगा, कैसे वो कनेक्ट होंगे। DNA डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, ये बनाया था बाई DCNet के माध्यम से DNA डिजाइन किया गया। ये क्या है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हैं, ये रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जो अर्ली एज में अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग रूल्स बनाए गए थे। नीड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टू लिंक वेरियस कंप्यूटर, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जरूरत क्या पड़ती है। BNA जैसे बॉट नेटवर्क आर्किटेक्चर, ब्रो नेटवर्क आर्किटेक्चर बाई ब्रो कॉरपोरेशन इंक, ठीक है, इसने BNA बनाया। Hence, one network protocol is not compatible for other network. तो एक कंपनी ने जो अपने एक सिस्टम के लिए नेटवर्क का प्रोटोकॉल बनाया वो दूसरे के लिए कॉम्पेटेबल नहीं होता था। Although the standard for same network are also changed with time. ठीक है, समय के साथ एक ही नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल थे वो भी चेंज होते रहते थे। जैसे IBM ने अपना एक प्रोटोकॉल बनाया और जब उसने समय के साथ 5 साल बाद उसने नया एक प्रोटोकॉल, नया सेट ऑफ रूल्स बना दिया कि उसमें जो कमियां थी वो दूर करी और नया प्रोटोकॉल बना दिया, तो समय के साथ एक ही कंपनी के एक स्टैंडर्ड भी बदलते रहते थे। सो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम द यूज ऑफ नेटवर्क रिसोर्स इज नॉट इफिशियंट एंड नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन इज पॉसिबल। जिस वजह से एक कॉमन नेटवर्क को सभी के लिए यूज करना संभव नहीं था, उसमें एक समस्या आती थी कॉम्पेटेबिलिटी की। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कंस्टिट्यूट अ कमिटी टू डेवलप स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क आर्किटेक्चर विच कैन बी अडॉप्टेड ग्लोबली। इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, ISO ने एक कमेटी गठित करी और उस कमेटी को यह टास्क दिया गया कि आप एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स बनाइए, एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाइए
एक ऐसा नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाइए जिसको ग्लोबली वैश्विक स्तर पर हर मैन्युफैक्चरर अडॉप्ट कर ले, ठीक है, जिससे जो कॉम्पिटेबिलिटी वाली समस्या आती है वो ना आए। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और OSI मॉडल वॉज डेवलप्ड विच डिफाइंस दी स्टैंडर्ड्स टू लिंक वेरियस कंप्यूटर। तो उस समय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने जो कमेटी गठित करी थी उसने जो प्रोटोकॉल तैयार किया उसको नाम दिया गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और दूसरा नाम इसको OSI मॉडल भी बोलते हैं। दिस वॉज डेवलप्ड जिसने के डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में, डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में एक लिंक स्थापित करने के लिए स्टैंडर्ड्स दिए, प्रोटोकॉल दिए बेसिकली। हेंस टू हिट्रोजीनियस कंप्यूटर्स कैन इस्टेब्लिश लिंक विद द हेल्प ऑफ OSI प्रोटोकॉल एनी वेयर फ्रॉम द वर्ल्ड। यानी इस OSI मॉडल के माध्यम से कोई भी दो कंप्यूटर इस OSI प्रोटोकॉल के माध्यम से विश्व के किसी भी जगह से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। OSI मॉडल क्या है अब देखते हैं। द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दैट इज OSI मॉडल डिस्क्राइब्ड सेवन लेयर्स दैट कंप्यूटर सिस्टम यूज टू कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। कोई भी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए वो OSI मॉडल की सेवन लेयर्स हैं उनको फॉलो करता है। क्या लेयर है वो? इट वॉज द फर्स्ट स्टैंडर्ड मॉडल फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन। OSI मॉडल नेटवर्क कम्युनिकेशन का पहला मॉडल था विच इज एडॉप्टेड बाई ऑल मेजर कंप्यूटर एंड टेली कम्युनिकेशन कंपनीज इन द अर्ली 1980s। 1980 में कंप्यूटर की और टेली कम्युनिकेशन की जितनी भी कंपनियां थी सभी ने इसे एडॉप्ट किया, ठीक है, सभी ने इसे ग्लोबली एडॉप्ट किया। क्या है OSI मॉडल? द मॉडल मॉडर्न इंटरनेट इज नॉट बेस्ड ऑन OSI बट ऑन द सिंपलर TCP/IP मॉडल। अभी हम आज की अगर बात करें तो आपने जनरली सुना होगा कि TCP/IP मॉडल, आजकल हम TCP/IP मॉडल यूज कर रहे हैं क्योंकि अब जो लेटेस्ट मॉडल है मॉडर्न इंटरनेट है वो TCP/IP मॉडल पे काम करता है, लेकिन जो हमारा शुरुआती मॉडल था वो OSI मॉडल था। हाउ एवर द OSI सेवन लेयर मॉडल इज स्टिल वाइडली यूज। अभी भी OSI मॉडल का काफी यूज हो रहा है एज इट हेल्प विजुलाइज एंड कम्युनिकेट हाउ नेटवर्क ऑपरेट एंड हेल्प आइसोलेट एंड ट्रबल शूट नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स। यानी अभी भी OSI मॉडल हमें इसलिए जरूरी होता है कि हमें ये पता लगे कि कैसे नेटवर्क ऑपरेट होता है, कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है, और अगर कोई भी नेटवर्क में ट्रबल शूटिंग आती है तो हम उसे OSI मॉडल के माध्यम से दूर करते हैं। जैसे कि आज की डेट में लोग सब विंडो यूज करते हैं आप, ठीक है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लोग यूज कर रहे हैं, विंडो यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अर्ली एज में जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो डॉस था वो आज डॉस को कोई यूज नहीं कर रहा, लेकिन डॉस का यूज अभी भी जब ट्रबल शूटिंग हो जाती है, जब विंडो आपका करप्ट हो जाता है, जब आपके पास कोई ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता, उस समय आप डॉस के माध्यम से ही अपनी ट्रबल शूटिंग को दूर करते हैं। तो यानी कि किसी भी जो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है वो पूरी तरह से उसका अस्तित्व खत्म नहीं होता है, उसका कहीं ना कहीं यूज रह जाता है। इसी तरह से OSI मॉडल का भी अभी यूज है फॉर द ट्रबल शूटिंग। OSI वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1983 बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेजर कंप्यूटर एंड टेलीकॉम कंपनीज। यानी जब ये 1980 में तो ये डेवलप हो गया था, इसको डिफरेंट कंपनियों ने इसको अडॉप्ट किया और 1983 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया एंड वाज एडॉप्टेड बाय ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन 1984। तो 1980 में ये तैयार हो गया था, 83 में इसे डिफरेंट कंपनीज ने इसको मान्यता दी, उसके बाद ISO ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फॉर्म में इसको मान्यता दे दी 1984 में। OSI मॉडल है सेवन लेयर आर्किटेक्चर एंड ईच लेयर है सेपरेट प्रोटोकॉल, हेंस ईच लेयर है सेपरेट फंक्शन। यानी OSI मॉडल में सात लेयर होती हैं आर्किटेक्चर में और हर एक लेयर का अपना अलग प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसका मतलब हर एक लेयर का अलग प्रोटोकॉल होने का मतलब हर लेयर का अलग फंक्शन होता है। अब देखें आर्किटेक्चर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल में देखें तो सबसे पहली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल लेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, ठीक है, देन फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर। तो फिजिकल लेयर का प्रोटोकॉल अलग है, डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल अलग है, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, इस तरह से ये सात लेयर इसमें होती हैं, ठीक है। क्या क्या काम होगा इस OSI मॉडल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इन किन लेयरों का क्या काम होता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।